बहू, तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि पैर छूकर बड़ों को नेक भी देते हैं। बुआ सास के शब्दों को सुनकर सलोनी पैर छूते छूते रुक गई। सलोनी का पहला दिन था ससुराल में और वो सभी सास, जेठानी और ननद के पैर छू रही थी। बुआ सास घर की बड़ी थी तो सलोनी ने उनके सबसे पहले पैर छुए थे। सास के भी तेवर चढ़ गए। वो सलोनी को कोने में ले जाकर बोली, इतना कमाती है और जीजी को अपने से 500 रुपए नहीं दे सकती। एक ही जीजी है हमारी, तुझे उन्हें तो खुश रखना चाहिए। ये ले, और मुट्ठी में 500 का पत्ता देकर चली गई। सलोनी की आंखें नम हो गई और उसने पैर छूकर नेक दे दिया। सलोनी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और मयंक भी उसी ऑफिस में था। परिवार की सहमति से दोनों की शादी हो गई। शादी के पहले से ही मायके में भी दादी, ताई, चाची, बुआ और बड़ी बहनों ने यही सीख दी थी कि अब तो शादी होने जा रही है, ससुराल वालों को खुश रखना, और जब ससुराल वाले खुश रहेंगे तो तेरा बहू बनना सफल हो जाएगा। सलोनी ने सबकी बात सुनी और वो कोशिश कर रही थी कि वो किसी को शिकायत का मौका नहीं दे। आज ही रसोई में चौका पूजन भी था। उसे ज्यादा अच्छा खाना बनाना तो नहीं आता था, पर वो थोड़ा बना लेती थी और पढ़ाई के कारण वो ज्यादा कुछ सीख भी नहीं पाई थी। उसने रसोई में कदम रखा और गैस चूल्हे की पूजा कर ही रही थी कि ताई सास ने टोक दिया। अरे, ये आजकल की पढ़ी लिखी बहुओं को कुछ नहीं आता है। सलोनी सकपका गई और सोचने लगी कि आखिर अब उससे क्या गलती हो गई। वो कुछ समझती इससे पहले ही ताई सास आगे बोली, अब देखो ना, बहू ने स्वास्तिक भी सही ना बनाया, बस इन लोगों से तो चेहरे का मेकअप करा लो या मोबाइल दिखा लो। सलोनी ने देखा, उसने वाकई उल्टा स्वास्तिक बना दिया था। उसने फिर से कांपते हाथों से सीधा बनाया और पूजा की। उसने यूट्यूब खोला ही था कि चाची सास रसोई में धमक गई, ओ, मोबाइल के बिना कोई काम नहीं आता है क्या? हलवा भी अब मोबाइल ही सिखाएगा, और हंस कर बाहर चली गई। ननद निशी ने आकर सारा सामान पकड़ा दिया। सलोनी ने बड़े मन से आटे का हलवा बनाया और सबको परोस दिया। वो हलवे की तारीफ सुनने को अधीर थी कि तभी दादी सास की आवाज गूंजती है, बहू, हलवे में शक्कर कम है और सिंकाई भी अच्छे से नहीं हुई है, तेरी माँ ने तुझे हलवा बनाना नहीं सिखाया क्या? दादी सास के ये शब्द तीर की तरह उसके मन में चुभ गए। मयंक ने इशारों से समझाया कि ये घर की बड़ी है, इनकी आदत है, सुन लो, पर दादी सास को खुश रखना, नाराज मत होने देना। इसलिए सलोनी चुप हो गई। एक दिन संडे को सलोनी देर से उठी तो सासू माँ ने घर में कोहराम मचा दिया और बोली, बहू होकर सो रही है, घर में दादी सास है, उनको खुश रखने के लिए ही जल्दी उठ जाती। मम्मी जी रात को एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, देर से सोई थी, सलोनी ने सफाई देनी चाहिए। चुप कर, ये सब तो बहाने हैं देर तक सोने के, कितनी भी देर से सोई हो बहू को सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब सलोनी मन महसूस कर रह गई। कुछ दिनों बाद वो ऑफिस जा रही थी तो दादी सास ने फिर टोक दिया, बहू, बिना दुपट्टे के इस घर की बहू ऑफिस नहीं जाएगी, तेरी माँ ने दुपट्टे वाले सूट ना दिलाए। ये सुनकर उसके मन को फिर धक्का लगा तो मयंक ने फिर समझाया कि दादी सास को खुश रखना है, नाराज मत करना। शाम को उसे ऑफिस से आने में देर हो गई। घर में पैर रखा ही था कि फिर से तंज कस दिया, बहू, इस घर की बहुए देर तक घर से बाहर नहीं रहती है, हमें पैसों की जरूरत ना है, तू नौकरी छोड़कर चौका संभाल ले, जा जल्दी चौके में जा, अपनी सास की मदद कर, तुझे खाना पकाने को लाए है ना कि पैसे कमाने को। दादी सास की कड़वी जुबान से निकला हर शब्द सलोनी के मन को भेद रहा था। वो नई बहू थी तो सबका लिहाज भी कर रही थी।
सलोनी हर बार मयंक से शिकायत करती और मयंक उसे समझा देता कि परिवार में सबको खुश रखना है। एक दिन वो सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी तो छोटी ननद ने उससे स्कूटी मांग ली कि आज वो कॉलेज स्कूटी से जाएगी। सलोनी बोली, पर मयंक मैं बस में धक्के खाऊंगी तो मुझे देर हो जाएगी और मुझे ऑफिस सही समय पर पहुंचना होता है। कॉलेज तो निशी देर से भी जाएगी तो चलेगा, मेरा ऑफिस पहले शुरू हो जाता है और तुम भी मुझे नहीं छोड़ सकते हो, हम दोनों के ऑफिस दो अलग दिशा में है। मयंक निशी को कुछ समझाता, इससे पहले सासू मां बोल पड़ी कि बहू दे दे, एक ही ननद है, खुश हो जाएगी। ये सुनकर निशी स्कूटी की चाबी ले गई। अब तो निशी को आदत पड़ गई थी, वो कभी भी स्कूटी की चाबी ले जाती थी, पहले तो बताती थी पर बाद में बिना बताए ले जाती और सलोनी को बस में धक्के खाने होते थे और साथ में ऑफिस में डांट भी पड़ती थी। भाभी कल मेरे कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं और मैं उन्हें आपके हाथों से बने पकवान खिलाना चाहता हूँ, प्लीज आप कुछ अच्छा सा बना देना, देवर सुमित ने शाम को कहा। मेरी कुकिंग इतनी अच्छी नहीं है और वैसे भी मुझे कल अपनी बेस्ट फ्रेंड के जन्मदिन की पार्टी में जाना है, सलोनी ने साफ साफ कह दिया। जरा भी शर्म लिहाज नहीं है, आखिर एक ही देवर है, पहली बार कुछ करने को बोला है, देवर की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती, दोस्त ज्यादा प्यारी हो गई। याद रख, शादी के बाद हर लड़की का पहला फर्ज होता है कि वो ससुराल वालों को हर हाल में हर तरह से खुश रखे, वरना उसका बहू बनना ही बेकार है, दादी सास ने चिल्ला कर कहा। ये सुनकर सलोनी सहम गई और उसने घर पर चौका संभाल लिया। एक ही तो संडे की छुट्टी मिलती है, वो भी ऐसे ही चली गई और वो सहेली के जन्मदिन की पार्टी में भी जा नहीं पाई। इस तरह सलोनी सबको खुश करने में लगी रहती थी। मयंक से शिकायत करती पर मयंक की घर में एक भी नहीं चलती थी। इस तरह के वातावरण में उसका दम घुटने लगा था, उसे ससुराल जेल लगने लगा था जहां वो सबके इशारों पर बस नाचती रहती थी। अब उसके चेहरे से रौनक गायब हो गई थी, नींद भी पूरी नहीं होती थी। अब वो घर और बाहर की जिम्मेदारी से थकने लगी थी। एक दिन उसके ऑफिस में उसकी पुरानी सहेली मिलने आई और हंसती मुस्कुराती सलोनी का शादी के बाद ये हाल देखा तो हैरान रह गई। सलोनी ये क्या हाल बना रखा है, ससुराल वालों को खुश करने के चक्कर में तू कितनी नाखुश सी लग रही है, अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं, तुझे अभी लंबा जीवन जीना है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता है, सबके साथ रहना है, मैं सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ फिर भी सबको मुझसे शिकायत ही रहती है। तू मना करना सीख ले, जिस काम को करने से तुझे बहुत परेशानी होती है तेरी हालत खराब हो जाती है, तुझे अपने खुशियों को मारना पड़ता है, ऐसे काम को मना कर दे। सलोनी ससुराल वालों को खुश रखना ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं है, हम इसके लिए पैदा नहीं हुए, हमारी अपनी भी जिंदगी है, कुछ खुशी है, अब खुद को खुश रखना है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। सलोनी ऑफिस से घर आते वक्त रास्ते भर अपनी सहेली की बातों को सोचती रही। आज उसे फिर बस से आने में देर हो गई, बस जगह जगह रुकती थी। निशी ने एक तरह से उसकी स्कूटी अपने पास ही रख ली थी, वो जैसे तैसे घर पहुंची। आ गई महारानी, कब से हम चौके में लगे हुए हैं, आज फिर देर से आई है, इसका तो रोज का ही हो गया है, दादी सास ने फिर ताना दिया। सलोनी चुप रही, चौके में काम करती रही। रात को उसने चाबी के स्टैंड से स्कूटी की चाबियां उतार कर अपने पर्स में रख ली और पर्स अलमारी में। सुबह निशी चिल्ला कर बोली, भाभी यहां से चाबी कहां गई, चाबी मेरे पर्स में है और मुझे स्कूटी लेकर ऑफिस जाना है, मुझे रोज देर हो जाती है, बस में समय बर्बाद हो जाता है, ये स्कूटी मेरे पापा ने मुझे मेरी सुविधा के लिए दी है, आप कभी कभी जरूरत हो तो ले जा सकती है पर रोज नहीं।
फिर मेरी बेटी की खुशी का क्या होगा? सासू मां ने जोर से पूछा। मम्मी जी, आप निशी को भी नई स्कूटी दिला दीजिए। और सलोनी तैयार होने चली गई। बहू तो बड़ी मुंहफट है, जवाब देने लगी है। मायके से लाई चीज की धौंस बताती है। मैं क्या निशी को स्कूटी नहीं दिला सकती? सासू मां बड़बड़ किए जा रही थी, पर सलोनी अपना काम करके ऑफिस निकल गई। आज वो समय से पहुंची और समय से घर भी आ गई। एक दिन सुमित फिर से बोला, भाभी कल संडे है, मेरे वही दोस्त आ रहे हैं, इस बार कुछ अच्छा खिलाइए, पिछली बार मजा कम आया था। सुमित भैया, हमारा कल कुछ दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान है, एक संडे ही तो मुझे मिलता है, मयंक भी हमारे साथ आ रहे, आप अपने दोस्तों को घर बुलाइए और होटल से कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दीजिए, मैं तो इतना अच्छा बना नहीं पाती हूँ। मयंक भी चुप रहा, पर सासू माँ फिर से ताने देने लगी। बहुओं का इस तरह घूमना शोभा नहीं देता, ससुराल वालों को जो बहू खुश नहीं रख पाए उसके जीवन पर धिक्कार है। मम्मी जी, ससुराल वालों को खुश रखना मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं है, मैंने शादी की है, अपने जीवन को दान नहीं कर दिया कि अब उस पर मेरा हक ही नहीं रहेगा, अब से मैं अपनी खुशियों का भी ध्यान रखूंगी, ससुराल वालों को खुश करने के लिए मैं अपनी आहुति नहीं दूंगी, ससुराल वाले खुश रहे पर साथ में बहू भी खुश रहे, खुशी खुशी काम करे तो वो खुशी मायने रखती है, पर ससुराल वाले खुश रहे और बहू ना खुश तो वो भी ठीक नहीं है। मैंने बहुत सहन किया पर अब और नहीं सहन करूंगी, अब मैं खुद की खुशी नहीं मारूंगी, मैंने आपका, दादी जी, निशी और सुमित भैया का सदैव ध्यान रखा है, पर जब आप लोग मुझे जानबूझकर परेशान करोगे तो मैं विरोध करूंगी और जवाब भी दूंगी। आपको सबकी खुशी का ख्याल है और मेरी खुशियों का क्या, वो तो किसी के लिए भी मायने नहीं रखती है। मैं नौकरी करती हूँ क्योंकि इसके लिए मैंने पढ़ाई की है, मेरी मम्मी का सपना था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो, मैंने दिन रात मेहनत की है और शादी के समय बता दिया था कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, ये भी मेरे जीवन की खुशी है, फिर दादी जी और आप नौकरी का ताना क्यों देते हैं? बेटी को आजादी और बहू को बंदिशे क्यों झेलनी होती है? जब निशी बिना दुपट्टे के स्कूटी चला सकती है तो मैं क्यों नहीं? स्कूटी पर दुपट्टा रखने से वो फंस सकता है। सास, ससुर, देवर, ननद सबको खुश रखूं, उनके हिसाब से ही चलूं, पहनूं, खाऊं, सोऊं, जागूं, ये तो जिंदगी नहीं है। नौकरी करती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मैं अपने आत्मसम्मान और खुशियों का ख्याल रखना जानती हूँ। ससुराल वालों को खुश रखने के लिए मैं अपना आत्मसम्मान और अपनी खुशियां नहीं मिटा सकती हूँ। कुछ समझौते मैं कर रही हूँ, कुछ आपको भी करने होंगे। निशी को भी कल शादी करके ससुराल जाना होगा, ईश्वर ना करे उसे ऐसा ससुराल मिले। परिवार ऐसे ही मिलजुल कर चलता है, परिवार में सबकी खुशियों का ध्यान रखा जाता है और मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ। सलोनी की बातें सुनकर सबकी नजरें झुक गई। दूसरे दिन संडे को सलोनी मयंक के साथ मूवी देखने गई और सप्ताह भर में निशी के लिए नई स्कूटी आ गई। अभी भी दादी सांस बड़बड़ करती थी, पर सासू मां समझ गई कि बहू की खुशियां भी मायने रखती है, क्योंकि कल को निशी को भी किसी परिवार की बहू बनना है। दोस्तों, सबको खुश रखने के चक्कर में एक बहू कितने समझौते करती है, अपनी इच्छाएं दबा लेती है, फिर भी ससुराल वाले बहू से कभी खुश ही नहीं रहते, ये आजकल की सच्चाई है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।